नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं एनजी मीडिया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जयंती पर श्रद्धांजलि दी और ट्रिब्यूट अर्पित किया। इसके साथ ही देशवासियों को देश की अखंडता और एकता की शपथ दिलाई। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में ये भी कहा कि देश को वल्लभ भाई पटेल के विचारधारा पे चलनी चाहिए, जिससे हमारा देश तरक्की करे। और युवाओं को भी उन्होंने काफी प्रोत्साहित किया। आप देखिए ये वीडियो। शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की। आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। आज भारत उपलब्धियों के नए शिखर पर है। G20 में भारत के सामर्थ्य को देखकर दुनिया हैरान हो गई है। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। हमें गर्व है कि अनेक वैश्विक संकटों के बीच हमारी सीमाएं सुरक्षित है। हमें गर्व है कि अगले कुछ वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। हमें गर्व है कि आज भारत चांद पर वहां पहुंचा है, जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। हमें गर्व है कि आज भारत तेजस फाइटर प्लेन से लेकर INS विक्रांत तक खुद बना रहा है। हमें गर्व है कि आज भारत हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की अरबों खरबों डॉलर की कंपनियों को चला रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एनजी मीडिया।